हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS PO का प्री एग्ज़ाम है अक्टूबर मंथ में और काफ़ी कम टाइम बचा है। तो अब मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए। और इसमें मैं इंग्लिश सेक्शन के बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चंस, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं लूँगा और आपको इसमें पूरा गाइडेंस दूंगा। मैं क्वेश्चंस को कैसे करना है पूरी अच्छे तरीके से मेंटरिंग करूंगा ताकि आप अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें, ना केवल प्री में बल्कि मेंस एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये पहली वीडियो क्लास है इस तरह की। मैं एक या दो वीडियो क्लास पर डे मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पर, तो इसको आप जरूर जरूर देखें। इसमें इसके थ्रू आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा बैंक पीओ के लिए, बैंक क्लर्क के लिए, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक है, LIC है, इन सभी एग्जाम्स के लिए। इस पूरी सीरीज़ को आप जरूर देखें और इसमें कोई भी ऐड या कोई भी प्रमोशन नहीं होगा किसी भी तरीके का, केवल टीचिंग होगी इसमें और रियल गाइडेंस आपको मैं दूंगा। देखिए, ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में ये पूछे जा रहे हैं। देखिए, आइडियली आपको जो तैयारी करनी चाहिए यदि आप बैंकिंग एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए मेंस एग्जाम के लिए। क्योंकि मेंस एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे तो प्री की तैयारी तो अपने आप ही हो जाएगी। इसके अलावा प्री का लेवल बहुत कम होता है, मेंस का लेवल काफ़ी हाई होता है। तो मेंस लेवल के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं इस सीरीज़ में लूंगा और डेफिनेटली इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पैराग्राफ दिया है और काफ़ी लंबा पैराग्राफ है और इससे भी लंबे लंबे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर जो फिल करना है उसका ऑप्शन ये नीचे दिए हैं, इनमें से एक लेना है, A, B, C, D और E, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अब देखिए, यदि आप लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करें तो यहाँ पर किस तरह का सेंटेंस आ सकता है। यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस आ सकता है जो इस प्रीवियस सेंटेंस को, ये जो प्रीवियस सेंटेंस दिया है यहाँ पर, इसको एक्सटेंड करे और इसके साथ कनेक्ट करे, इसके साथ कनेक्ट करे। ठीक है, तो एक तो देखिए इसका कंजर्वेटिव तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है कि आप पूरे सेंटेंस को आप यहाँ से पढ़ें और फिर इसका आंसर निकालें, और एक लॉजिकल रीजनिंग वाला तरीका है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, जिसको सारे रैंकर्स और सारे टॉपर्स अपनाते हैं, और वैसे ही इन इस तरह के क्वेश्चंस को किया जा सकता है कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ। अब देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं, हालांकि आप पढ़ सकते हैं यदि आपके पास टाइम है और क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ भी सकते हैं आप, लेकिन सबसे पहले आपको लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करना है। देखिए, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स फॉर विमेन ऑन मेच्योरिटी और ऑन मैटरनिटी लीव एंड चिल्ड्रन इज ए सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कैन बी फंडेड इन ए लार्ज कंट्री थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल टैक्सेशन एंड कंट्रीब्यूटरी पेमेंट्स फ्रॉम दोज हु हैव द मीन्स। इसका मतलब यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि महिलाएं जो मैटरनिटी लीव लेती हैं, ठीक है, या बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हम ना केवल टैक्सेशन से पूरा कर सकते हैं बल्कि ऐसे लोग जो समृद्ध हैं, जो पैसे वाले हैं, उनसे कंट्रीब्यूटरी पेमेंट लेके महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स फॉर विमेन ऑन मैटरनिटी लीव एंड चिल्ड्रन इज ए सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच कैन बी फंडेड इन ए लार्ज कंट्री थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल टैक्सेशन एंड कंट्रीब्यूटरी पेमेंट फ्रॉम दोज हु हैव द मीन्स। मीन्स का मतलब है जिनके पास साधन है, जिनके पास पैसा है, उनसे कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है और जनरल टैक्सेशन के थ्रू उनको उनको एक बेनिफिट दिया जा सकता है मैटरनिटी लीव के लिए। अब यहाँ पर जो सेंटेंस आएगा वो प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन होना चाहिए और इससे किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कीवर्ड देखिए, सच आ पॉलिसी, ठीक है, सच आ पॉलिसी। तो सच आ पॉलिसी मतलब इस तरह की पॉलिसी, सच ए पॉलिसी का मतलब हुआ इस तरह की पॉलिसी, लेकिन किस तरह की पॉलिसी वो यहाँ पे आना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि सच ए पॉलिसी। जब शुरू में कोई पॉलिसी का नाम आएगा तो उसके बाद ही तो मैं बोलूँगा कि सच ए पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मैं लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द इनकम गारंटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड कैन बी इंश्योर्ड थ्रू अ यूनिवर्सल सोशल इंश्योरेंस सिस्टम। तो यहाँ पर ये क्या है, यूनिवर्सल सोशल इंश्योरेंस सिस्टम एक तरह का सिस्टम है, एक तरह की पॉलिसी है, इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल सोशल इंश्योरेंस सिस्टम।
और उसी को रिप्लेस करने के लिए यहां पर बोला गया है सच ए पॉलिसी। इसका मतलब ए इसमें एप्रोप्रिएटली फिट होगा। अब दूसरे किसी भी सेंटेंसेस में इस तरह की पॉलिसी की बात नहीं की गई है। देखिए बेनिफिशियरी कवर्ड, यहां पर मैंडेटिंग क्रैश, यहां पर विमेन्स एम्पावरमेंट, यहां पर एक्सेस टू वेलफेयर, यानी पॉलिसी की बात केवल और केवल ए में ही की गई है। तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिट होने वाला जो सेंटेंस होगा वो होगा ए। तो ये है लॉजिकल रीजनिंग, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को किया जाता है। मीन्स में ये सेंटेंस इससे ज्यादा, इससे बड़े और ज्यादा लेंदी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस को इस तरीके से आपको करना है। चलिए देखिए सेकेंड सेंटेंस में आपको बताता हूं और सेम लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करके बताऊंगा। ये रियल क्वेश्चन हैं, बैंक पीओ मेन्स एग्जाम के ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखिए यहां पर देखिए, एक्टिविस्ट हु प्रिटेंड टू बी एसोसिएटेड विद द तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल एंड द समाजवादी पार्टी इन उत्तर प्रदेश टू हैव हैड देयर डेज इन द न्यूज। अब देखिए सपोज आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक्टिविस्ट की बात हो रही है। अब देखिए इसके आगे ब्लैंक के आगे क्या दिया है, एक दिया है फर्स्ट और एक दिया है सेकेंड, ठीक है। एक दिया है फर्स्ट, एक दिया है सेकेंड, यानी यहां पर कोई एक ऐसा सेंटेंस आना चाहिए जो दो चीजों की बात करता हो, क्योंकि यहां पर जब आप दो चीजों की बात करेंगे तो वो दो चीजें कौन सी होंगी, तभी तो आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहां पर लिखा है फर्स्ट, चलिए इसको थोड़ा सा यहां पर पढ़ लेते हैं। एक्टिविस्ट हु प्रिटेंड टू बी एसोसिएटेड विद द तृणमूल कांग्रेस एंड वेस्ट बंगाल एंड द समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश टू हैव एट देयर डे इन द न्यूज। यहां पर एक्टिविस्ट की बात हो रही है, जो बहाना बनाते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं कि वो इस कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएट हैं या समाजवादी पार्टी के साथ एसोसिएट हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या दिया, फर्स्ट द फ्रिंज इज इनकरेज्ड बाय द पार्टी एज ए स्ट्रेटजी। मतलब यहां पर एक्चुअली इस चीज का, ये जो गलत चीज बताई जा रही है, इसका रीजन यहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहां पर ये दो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर आप इसमें से देखिए, यहां पर भी टू दिया है और यहां पर भी टू दिया है, लेकिन सी इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि टू वर्ड भी आया है यहां पर और यहां पर एक्सप्लेनेशन की भी बात हो रही है और यहां पर एक्टिविज्म को रिप्लेस करने के लिए सच वर्ड भी आया है। यानी तीन तीन रेफरेंस पॉइंट यहां पर ये इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि यहां पर सी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है। एक्टिविज्म के लिए एक्टिविस्ट की बात की गई है और उसके बाद फिर एक्टिविज्म को रिप्लेस किया है सच एक्टिविज्म से। इसके अलावा इसमें एक्सप्लेनेशन भी एक कीवर्ड है, इसके अलावा इसमें टू भी एक कीवर्ड है। तो सही आंसर क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर होगा सी। तो इस तरीके से इन पैराग्राफ फिलर्स के क्वेश्चंस को आपको करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और IBPS PO का जिनका भी एग्जाम है या IBPS कर का जिनका भी एग्जाम है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो सीरीज में चला रहा हूं, इसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, रियल क्वेश्चंस। कोई इसमें प्रमोशन नहीं रहेगा, कोई किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं रहेगा, रियल टीचिंग रहेगी। इन वीडियो क्लासेस को आपको डेली देखना है जब तक आपका ये प्री एग्जाम है, ठीक है। देखिए अब यहां से मैं आपको बताता हूं, सेम तरीके से बताऊंगा। और मेंस में यदि आप ये क्वेश्चन करेंगे तो मेंस में इसमें वेटेज आपको एक नंबर से ज्यादा मिलता है और टाइम आपको एक मिनट से ज्यादा मिलता है, ठीक है। एक मिनट मतलब 60 सेकंड आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मिलते हैं मेंस एग्जाम में। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से आप मैक्सिमम 4 या 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का सही आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जो मैं लॉजिक आपको बताता हूं। देखिए यहां से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल फार्मेसीज हैव बीन नॉकिंग एट द डोर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर सम टाइम नाउ एज दे फेस इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम ई फार्मेसीज। देखिए क्या बात हो रही है इसमें, देखिए मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो एक तो मेडिकल स्टोर की ट्रेडिशनल दुकान होती है, एक ऑनलाइन जो दुकानें होती हैं जिसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ई कॉमर्स जो कंपनीज हैं वो ट्रेडिशनल कंपनीज को कंपटीशन दे रही हैं, क्योंकि उनकी सेल ई कंपनीज की वजह से कम हो रही है। तो ये तो एक वेल नोन फैक्ट है, इसको तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे जो किराना स्टोर्स होते हैं या छोटे मोटे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उनकी सेल कम हो रही है। जैसे ये बड़े बड़े स्टोर्स आ गए हैं, वॉलमार्ट का आपने नाम सुना होगा और ये रिलायंस के, इस तरह के जो स्टोर्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें उसकी बात हो रही है कि ई कॉमर्स की वजह से जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। देयर प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्केट शेयर हैव फेस्ड प्रेशर।
इन रीसेंट ईयर्स फ्रॉम ई फार्मेसीज दैट ऑफन ऑफर मेडिसिन्स एट चीपर प्राइसेस। ये सही है, एक रियल मेडिकल स्टोर पर, ठीक है, जो जो टैबलेट 5 रुपए की मिल रही है वो ऑनलाइन आपको 2 रुपए की मिल रही है, तो डेफिनेटली जो जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो अफेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस आएगा, इसका रेफरेंस यहाँ पर होना चाहिए, यानी इस 3 लाइनों का एक्सटेंशन यहाँ पर होना चाहिए, प्लस इसके साथ वो किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए कि पैराग्राफ में क्या होता है। पैराग्राफ में सबसे पहले फुल फॉर्म आती है, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दी है, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आना चाहिए। और इसका फुल फॉर्म जो दिया है वो कहाँ पर दिया है, इसका फुल फॉर्म ई में दिया है। देखिए, बट परहैप्स द ओनली थिंग क्लियर फ्रॉम द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ये उसका फुल फॉर्म है, डिमांड इज इट्स इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर फार्मेसीज। ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब जो दुकानें होती हैं, जो फिजिकल दुकानें होती हैं, उसके लिए ब्रिक एंड मॉर्टर वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया है। तो देखिए, दो तरीके से मैं बताऊंगा इसको, एक तो यहाँ पर चीज कोई फुल फॉर्म दिया है और आगे वाले सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म दिया है, इसलिए इस तरीके से ये लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा इसमें यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस ये बोल रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने हैज रिपीटेडली अक्यूज्ड ई फार्मेसीज ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ मेल प्रैक्टिसेस, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने मेल प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया है किसके ऊपर, ई फार्मेसीज के ऊपर। और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उसके 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 इंटेंशन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पर भी हमने यही बात की है, सेम बात की है, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से ये लॉजिकली कनेक्ट हो गया, और एक इस शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म की वजह से ये लॉजिकली कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पर ई इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। दो तरीके से मैंने आपको बताया कि दो मतलब लॉजिक इसमें मैंने अप्लाई करके बताया, दोनों ही तरीके से ये ई इसका आंसर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर भी मैं आपको सेम तरीके से बताऊंगा, देखिए विद द डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल हेड विंड्स, आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, आपको ये जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड मीनिंग्स पता हो या आप मास्टर हो और रघुराम राजन या इनकी तरह आपको नॉलेज हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली टेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि सारे वर्ड मीनिंग किसी को नहीं आ सकते, सारी सारी इकोनॉमी की नॉलेज किसी को नहीं हो सकती, और पर्टिकुलरली स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इस एग्जामिनर आपका केवल एक एक लॉजिक चेक कर रहा है, एक जनरल सेंस आपका चेक कर रहा है, ठीक है। आप यहां से पढ़ते हैं, विद द डायरेक्शन ऑफ ग्लोबल हेड विंड्स रिमेनिंग अनसर्टेन, ग्रोथ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बजटेड टू बी लोअर दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वर्चुअली एबसेंट, द लोअरिंग जीडीपी नंबर शुड सर्व एज ए रियलिटी चेक। इसका मतलब क्या है, ये 3-4 लाइनों का कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि इकोनॉमी की हालत सही नहीं चल रही है, जीडीपी के रेट्स कम होते जा रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 0 है, और ये एक रियलिटी चेक का टाइम है। रियलिटी चेक का टाइम का मतलब ये होता है कि अब आपको कुछ करना चाहिए, ये एक रिमाइंडर होता है, रियलिटी चेक का मतलब है कि एक रिमाइंडर है। तो यहां पर हम निगेटिव बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसका जो एक्सटेंशन होगा वो भी निगेटिव ही होगा। अब देखिए, यदि आप इस सेंटेंस को देखें कि रिटर्निंग टू द 8% ग्रोथ मार्क इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज, 8% की ग्रोथ लेना एक बिग चैलेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है नहीं, जीडीपी के रेट्स कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बजट कम हो रहा है, तो इसलिए 8% की ग्रोथ रेट ये एक चैलेंज हो सकती है या होगी, तो बी इसमें लॉजिकली फिट हो रहा है। इसके अलावा आगे वाला सेंटेंस भी हम देख लेते हैं, वाइल द गवर्नमेंट हैज विगरेसली अंडरलाइन इट्स रिफॉर्म अचीवमेंट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, मतलब गवर्नमेंट तो ये बोल रही है कि उसके जो उसने जो रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे जीएसटी लेके आई है वो, जैसे जीएसटी के भी बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आगे क्या दिया है, अ मिशन मोड रिफॉर्म रीबूट इज अर्जेंटली नीडेड। यहाँ पर एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत खराब चल रही है, 8% की ग्रोथ लाना काफी मुश्किल होगा, और इसके लिए एक रिफॉर्म, एक मिशन मोड रिफॉर्म को लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आगे वाले सेंटेंस भी इस सेंटेंस से पूरी तरीके से कनेक्ट हो रहा है, तो बी आपका यहां पर लॉजिकली सही आंसर आपका होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5, द यूनाइटेड स्टेट्स करेंटली गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ बीइंग एट वॉर
विद इट सेल्फ द दिस स्टेम्स फ्रॉम ए सीरीज ऑफ चार्जेज एंड काउंटर चार्जेज लेवीड अगेंस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज एडवाइजर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ कोलूजन विद द रशियन हु आर अक्यूज्ड ऑफ मेडलिंग विद द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्या इसमें बात हो रही है? इसमें ये बात हो रही है कि यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो उसके अंदर के जो एडमिन के लोग हैं, जो टॉप टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, उनके ऊपर आरोप और काउंटर चार्जेज लग रहे हैं। और एक ये वर्ड आया है कोलूजन, इसका मतलब होता है षड्यंत्र, कंस्पिरेसी, कि रशियन के साथ इन्होंने मिलकर कुछ किया है। रशियन के ऊपर आरोप लगे हैं कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्होंने इंटरफियर किया था, मेटलिंग मतलब इंटरफियर। अब यहाँ जो सेंटेंस आएगा वो ना केवल प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन होना चाहिए बल्कि इस आगे वाले सेंटेंस के साथ भी प्रॉपरली जुड़ना चाहिए, ठीक है? तो इसमें देखिए, वन ऑफ द प्रिंसिपल चार्जेज अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द ट्रंप टीम इज दैट दे मेंटेन्ड इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द रशियन डिप्लोमेट। ये भी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इसकी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए ये रेडंडेंट थोड़ा सा होगा। आगे देखते हैं, द मीडिया एंड इंटेलिजेंस एजेंसी आर फार फ्रॉम इम्पार्शियल इन देयर बिहेवियर, सेवरल प्रोब्स हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च इन दिस कनेक्शन। देखिए, ये सी वाला जो सेंटेंस है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि पहले क्या है, पहले चार्ज और काउंटर चार्ज की बात होगी। किसी व्यक्ति के ऊपर जब चार्ज लगते हैं, कोई आरोप लगता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक प्रोब बिठाई जाती है, उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो प्रोब होगा, पहले चार्ज लगे हैं, फिर प्रोब की बात होगी, ठीक है? अब इसके बाद देखिए, आगे वाले सेंटेंस से भी ये जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, मीनवाइल द कैलिडोस्कोपिक नेचर, कैलिडोस्कोपिक मतलब अलग अलग लेवल पर अलग अलग चेंजेज हो रहे हैं एडमिन में, ठीक है? कैलिडोस्कोपिक नेचर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द टॉप एक्लॉन्स ऑफ द न्यू एडमिन इज हार्डली हेल्पिंग मैटर्स। देखिए, इसमें यहाँ पर भी वही सेम बात हो रही है कि जैसे यहाँ पर जो चार्जेज लगे हुए हैं, चार्जेज के बाद क्या हुआ, एक प्रोब बिठा दिया गया, ठीक है, एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया गया कि ये क्या हो रहा है, इसकी जांच की जाए। और उसके बाद यहाँ पर भी ये बोला जा रहा है कि जो टॉप एक्लॉन में जो चेंजेज हो रहे हैं उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इट इज़ हार्डली हेल्पिंग मैटर्स, ठीक है? प्रोब से प्रॉब्लम सॉल्व होगी और एडमिन में चेंजेस करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यानी ये जो सेंटेंस है मीनवाइल, ये इस सेंटेंस का डेफिनेटली एक एक्सटेंशन है जो कि सही है। तो यहां पर इन लॉजिक्स को देखते हुए सी जो है यहां पर आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से जो प्रियो मेंस में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इनको सॉल्व करना है। इसमें मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए हैं, आगे के वीडियो क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा क्वेश्चन लूं, लेकिन मेन जो मेरा इम्फेसिस है वो ये है कि आपको क्वेश्चन को लॉजिकली अप्रोच करने का तरीका सिखाना, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं 100 क्वेश्चन आपको सिखाऊं और एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, मैं केवल 10 क्वेश्चन सिखाऊंगा, लेकिन आपको अप्रोच सिखाऊंगा कि ये है सही अप्रोच, इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको करना है ताकि आपका इंग्लिश सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बने प्री और मेंस में, और आपका सिलेक्शन हो, गवर्नमेंट जॉब आप हासिल करें, ठीक है? तो इस सीरीज को आप जरूर जरूर देखिए, ये लगातार चलेगी जब तक आपका IBPS PO का प्री एग्जाम होगा। इसमें कोई भी ऐड, कोई भी प्रमोशन, कुछ भी फालतू कुछ भी इसमें नहीं होगा, रियल टीचिंग इसमें होगी, तो इसको आप जरूर देखें, ठीक है? तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।